अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव में कहा कि अमेरिका गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वालों को 100 मिलियन डॉलर का फंड मुहैया कराएगा, इससे मानवीय मदद की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा के लोगों को भोजन, पानी, दवा, शेल्टर की आवश्यकता है। बाइडेन ने इसराइल को सलाह दी कि वह अमेरिका जैसी गलती ना करे जो उसने 9/11 हमले के दौरान की थी। बाइडेन ने कहा कि इसराइल मिस्र के रास्ते से मानवीय सहायता जाने देने को राजी हो गया है। साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने जो देखा उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि गाजा अस्पताल में जानलेवा विस्फोट किसी दूसरी टीम ने किया था, न कि इजरायली सेना ने। बाइडेन ने विस्फोट के लिए फलिस्तीनी उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराने के इजरायल के दावे को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान कठिन सवाल पूछे। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि मैं कल गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से दुखी और व्यथित हूँ। मैंने जो देखा उसके आधार पर तो ऐसा लगता है कि यह किसी और टीम ने किया है, आपने नहीं। बाइडेन ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में पक्की जानकारी नहीं है कि गाजा के बीचों बीच स्थित अल अहली अस्पताल में विस्फोट किसने किया। हमास के साथ जारी संघर्ष के बीच इसराइल के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यहां आए बाइडेन ने बाद में एक्स पर लिखा कि उन्हें इसराइली लोगों के साहस, प्रतिबद्धता और बहादुरी के सम्मान में यहां आने पर गर्व है। पिछले सप्ताह के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका आपके साथ शोक मना रहा है। अस्पताल में विस्फोट में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिसके लिए हमास और इसराइल दोनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। इसराइल ने दावा किया कि इस्लामिक जिहाद की ओर से दागा गया रॉकेट गलत दिशा में चला गया और यह घटना हुई। हालांकि संगठन ने इस दावे को खारिज कर दिया है।